तो बेटा देखना, जो आज का टॉपिक है हमारा, हम लेजर में पढ़ेंगे, प्योरिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। प्योरिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, प्योरिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन का मतलब क्या है? जो मोनोक्रोमेटिसिटी होती है वो कह रहा है कि वो कितना प्योर है, कितना प्योरिटी है। जैसे कि आपने प्योर इम्प्योर पढ़े है ना, जैसे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर प्योर था, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कुछ इम्प्योरिटी मिक्स कर देते इम्प्योर बन जाता था। तो इसी में कह रहा कि प्योरिटी मतलब क्या हो, सिंगल वेवलेंथ का हो, डिफरेंट डिफरेंट वेव का इसमें मिक्सअप ना हो, तो ऐसे स्पेक्ट्रल लाइन को प्योरिटी कहते हैं। ठीक है ना भाई, प्योर प्योरिटी, प्योरिटी मतलब एकदम मोनोक्रोमेटिसिटी हो। मोनोक्रोमेटिसिटी मतलब सिंगल वेवलेंथ की, डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ की होना, ठीक है ना। लेकिन इसमें कुछ बातें हैं, यानी जो लेजर लाइट है ना बेटा, ये जो लेजर लाइट है, लेजर लाइट के पास कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी होती है। जो हमारे पास जो लेजर लाइट होती है उसके पास क्या होती है, एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है? स्पेशल प्रॉपर्टी होती है जो दूसरे लाइट से अलग करती है, ठीक है ना। इसके पास एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है जो अदर लाइटों से क्या करती है, डिफरेंट करती है, अलग करती है। तो ऐसा इसमें कौन सी प्रॉपर्टी है जो दूसरे लाइटों से ये इसको क्या करती, अलग करती है? तो इसमें जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है वो किसकी होती पता है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की। क्या होती है बच्चों? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आप मोनोक्रोमेटिसिटी, मोनोक्रोमेटिसिटी। तो इसमें क्या होती है लेजर लाइट में, ये लेजर लाइट है, लेजर लाइट में क्या होती है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मोनोक्रोमेटिसिटी होती है, मतलब सिंगल वेवलेंथ की होती है। क्या होती है? सिंगल वेवलेंथ की होती है। ये जो लाइट निकलती है इससे, लेजर लाइट से क्या होती है, सिंगल वेवलेंथ की लाइट क्या करती है इसमें निकलती है, यही बात क्या करती है, अलग करती है। सिंगल सिंगल निकलेगी तो ये प्योर हो जाएगा। समझ गए मेरी बात? इसका मतलब सिंगल वेवलेंथ एज कंपेयर टू द अदर सोर्सेज, अदर सोर्सेज के रिस्पेक्ट में ये क्या होता है, सिंगल वेवलेंथ का होता है। लेकिन प्रैक्टिकली बच्चों, प्रैक्टिकली देखा गया है कोई ऐसा लाइट नहीं है, मतलब कि लेजर को भी मिला लो, लेजर को भी ले लो, प्रैक्टिकली ये देखा गया है नो लाइट सोर्स इंक्लूडिंग लेजर इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग एब्सोल्यूट मोनोक्रोमेटिक लाइट। मतलब प्रैक्टिकली ऐसा देखा गया है कि डेली लाइफ में कोई भी ऐसा लाइट नहीं है, लेजर को भी इन्वॉल्व कर लो, कोई भी ऐसा लाइट नहीं है जो क्या कर दे, अब्सोल्यूट मोनोक्रोमेटिक लाइट प्रोड्यूस कर सके, परफेक्ट मोनोक्रोमेटिक लाइट प्रोड्यूस करे। कुछ ना कुछ मिक्सअप तो होता ही है, लेजर में भी कुछ ना कुछ अदर वेवलेंथ का मिक्सअप तो होता है थोड़ा बहुत, ठीक। सिंगल वेवलेंथ मतलब समझे ऐसे है, और डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ मतलब साथ में ऐसे और भी डिफरेंट वेवलेंथ चलेंगे, तो ये मोनोक्रोमेटिक नहीं होगा, केवल सिंगल वेवलेंथ की है। तो अदर लाइट जो होती है ना, ये क्या होती है, इसमें ऐसे 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 ढेर सारे वेवलेंथ निकलते हैं, इसको मोनोक्रोमेटिक नहीं बोलते हैं। लेजर में भी होता है, लेकिन इसके जो दीवारें होती है उसको ब्लॉक कर दी जाती है, पेंटिंग कर दी जाती है, तो इधर की जगह होती नहीं है ना, तो केवल एक ही डायरेक्शन में क्या करती है, निकलती है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, सिंगल वेवलेंथ की बोलते हैं। तो मैंने बताया प्रैक्टिकली कोई भी लाइट ऐसा नहीं है, अगर लेजर को भी इन्वॉल्व कर लो, कि जो क्या कर दे, मोनोक्रोमेटिक लाइट हो, यानी एब्सोल्यूट मोनोक्रोमेटिक बनाए, यानी परफेक्ट सिंगल वेवलेंथ की बनाए। लेकिन तो करेंगे क्या जब ऐसा नहीं होता, तो हम क्या करते, कुछ तो जुगाड़ करनी पड़ती है। लेकिन लेजर को पढ़ने के लिए एक हम लोग क्या करते हैं, बेटर अप्रोक्सीमेशन देखते हैं, बेटर अप्रोक्सीमेशन देखते हैं टू आइडियली मोनोक्रोमेटिक लाइट। इसमें बेटर अप्रोक्सीमेशन देखते हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट को आइडियली। तो आइडियली हम ये कहते हैं कि लेजर क्या है, सिंगल वेवलेंथ की है, यानी मोनोक्रोमेटिसिटी ये क्या करता है, प्रोड्यूस करता है।
हम क्या करेंगे इसका लगभग यानी आइडियली हम मानेंगे, ठीक, बेटर अप्रोक्सीमेशन। ठीक बच्चों, तो और इस कहानी को इस थ्योरी को कैसे एक्सप्लेन किया गया, ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम थ्योरी। क्वांटम थ्योरी के बेस पर क्या है, स्पेक्ट्रल लाइन को क्या किया, इसको एक्सप्लेन किया गया, और जिसमें क्या था, फाइनाइट प्योरिटी था, फाइनाइट प्योरिटी था स्पेक्ट्रल लाइन। इनफाइनाइट प्योरिटी नहीं था, कुछ दूर तक प्योरिटी थी, उसके बाद थोड़ा बहुत मिक्सअप होने लगता था। और इस प्योरिटी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, थीटा से, वो क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू बराबर लैम्डा बाय डेल्टा लैम्डा। ठीक, तो ये जो लैम्डा होता है ये सेंट्रल वेवलेंथ ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन होती है, सेंट्रल वेवलेंथ ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन, सेंट्रल वेवलेंथ ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन होती है। और डेल्टा एल क्या होता है, स्प्रेड इन वेवलेंथ, इज कॉल्ड वेवलेंथ विड्थ। ये वेवलेंथ विड्थ होती है, मतलब ये इसका फैलाव कितना होता है, वेवलेंथ विड्थ जैसे चलेगी, ये वेवलेंथ विड्थ कितनी होती, कितना फैलाव होता है, ठीक है ना। इस रिप्रेजेंट, इस बात को क्या करता है, ये डिनोट करता है। आगे हम इसे प्रूव भी करेंगे, क्यू विल बी इक्वल टू लैम्डा बाय डेल्टा लैम्डा, ठीक है ना। अभी तो सिर्फ जस्ट डिफिनेशन है। तो आइए, इसी बात को हमने मेंशन किया है, उसे हम लोग क्या करते हैं, पढ़ लेते हैं। ठीक, तो ये आप लोग नोट कर सकते हैं। तो देख रहे हैं, The laser light has some special property. मैंने बताना, इसके पास कुछ special property है, has that make it different from the other light sources. जो other light sources से क्या करती है, अलग करती है। सारी बात मैं बता चुका। Second, it have most important property is extraordinary monochromaticity. इसके पास एक important property है जो extraordinary monochromaticity, इसका मतलब single wavelength। तो मैंने ये भी बताया, प्रैक्टिकली नो लाइट सोर्स इंक्लूडिंग लेजर इज कैपेबल टू प्रोड्यूसिंग एब्सोल्यूट मोनोक्रोमेटिक लाइट। यानी नो लाइट, कोई भी ऐसा लाइट नहीं, अगर लेजर को भी इंक्लूड कर लिया जाए, जो एब्सोल्यूट मोनोक्रोमेटिक लाइट प्रोड्यूस कर सके, मतलब सिंगल वेवलेंथ की क्या कर सके, वो प्रोड्यूस कर सके। वन कैन वनली मेक बेटर अप्रोक्सीमेशन टू आइडियली मोनोक्रोमेटिक लाइट। ये क्या है, सिर्फ एक क्या है, बेटर अप्रोक्सीमेशन है। आइडियली कोई प्योर वैसे क्या कहते हैं, परफेक्टली कोई प्योर मोनोक्रोमेटिसिटी है नहीं, उसको आइडियली हम लेंगे, यानी बेटर अप्रोक्सीमेशन, अच्छा अप्रोक्सीमेशन देखेंगे जो मोनोक्रोमेटिसिटी हो सके, ठीक ना। इसीलिए लेजर को क्या बोलते हैं, मोनोक्रोमेटिसिटी बोलते हैं। इट कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम थ्योरी दैट स्पेक्ट्रल लाइन हैज फाइनाइट प्योरिटी। क्वांटम थ्योरी से हम स्पेक्ट्रल लाइन को जब हम क्या करते हैं, इसको एक्सप्लेन करते हैं, उसकी जो स्पेक्ट्रल लाइन थी, उसकी जो प्योरिटी थी, वो क्या थे, फाइनाइट थी, इनफाइनाइट नहीं, यानी दैट इज मोनोक्रोमेटिसिटी ऑफ लाइट। और इस प्योरिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, तो ये Q will be equal to कितना हो जाएगा बच्चों, Q will be equal to lambda by कितना हो जाएगा, डेल्टा लैम्डा हो जाएगा, डेल्टा लैम्डा हो जाएगा। इसके आगे भी नोट कर लो, डेल्टा लैम्डा हो जाएगा। Where lambda is the central wavelength, सेंट्रल वेवलेंथ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन एंड डेल्टा लैम्डा क्या बच्चों, डेल्टा लैम्डा इज द स्प्रेड, फैलता है, स्प्रेड इन वेव वेवलेंथ,
wavelength of a line, called wavelength v, width. तो डेल्टा लैम्डा क्या होता है? डेल्टा लैम्डा इज द स्प्रेड इन वेवलेंथ, यानी वेवलेंथ कितनी फैलती है, कितनी दूर तक, इज कॉल्ड वेवलेंथ विड्थ कहते हैं। यानी ये कितनी दूर तक क्या करती है, कितनी दूर तक फैलती है, उसे क्या बोलते हैं, वेवलेंथ विड्थ भी कहते हैं, ठीक है ना। कितनी दूर तक ये वेव क्या करती है, फैलती है, ठीक है ना। तो यहां पर देखो, स्टार का लिखता हूं, एवरी स्पेक्ट्रल लाइन, एवरी स्पेक्ट्रल लाइन हैज अ फाइनाइट विड्थ, which means that it has finite purity. जितने भी स्पेक्ट्रल लाइन है सबके पास फाइनाइट विड्थ होते हैं, तो जिसे हम फाइनाइट प्योरिटी कहते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, फाइनाइट प्योरिटी कहते हैं, ओके। ये तभी पॉसिबल होगा, इसके करस्पॉन्डिंग जो कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेवलेंथ होगा इन अ नैरो इंटरवल, ठीक है ना। नैरो इंटरवल यानी डेल्टा लैम्डा में, नैरो इंटरवल में जो कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन होगा तभी वो क्या होगा, फाइनाइट प्योरिटी हो पाएगी, ठीक। चलिए एक नोट पॉइंट में लिख देता हूं, प्योरिटी ऑफ अ स्पेक्ट्रल लाइन, गिव the degree of monochromaticity, of a light समझ गए ना। तो प्योरिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन क्या बताता है, डिग्री ऑफ द मोनोक्रोमेटिसिटी ऑफ द लाइट, मोनोक्रोमेटिसिटी ऑफ लाइट की डिग्री को क्या करता है, ये रिप्रेजेंट करता है। तो चलिए हम लोग क्या कहते हैं, नेक्स्ट सेक्शन में मिलते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे कोहेरेंस, कोहेरेंट टाइम एंड कोहेरेंट लेंथ पढ़ेंगे, ओके बच्चों।